समस्या ये है, आज अगर यहाँ निगोई में चार बूंदें पड़ जाती तो वो बता देते कि हमारे हेडल में पानी भर गया। सबसे बड़ी यहाँ क्या है, यहाँ जे साहब ने एक सिस्टम बना रखा है, अपने कुछ निजी लोग लगा रखे हैं। वो निजी लोग कैसे हैं, वो निजी लोग ऐसे हैं कि जैसे कि जे साहब को 5,000 रुपए देते हैं, वो 5,000 रुपए में एक लाइन एक 24 घंटे के लिए चलवाते हैं, बाकी सब लाइनों को ये कह देते हैं कि ओवरलोड है, ओवरलोड है, लाइन नहीं लगेगी। अब कोई कुछ कहता है तो उसको बुरा भला कहते हैं और फोन काट देते हैं। जय का क्या नाम, जय का नाम ही वो आते ही नहीं, शिवशरण है वो आते ही, किसी ने शकल नहीं देखी। लगभग 2-3 महीने यहाँ आए हो गए, वो शकल नहीं देखी। 5,000 रुपए जो दे जाता है वो यहाँ मतलब उनके माध्यम से लाइट चलती है, वो दलाली 5,000 वो तय करते, जो उनके लोग बैठे वो 7,000 तय करते, 2,500 अपनी जेब में रखते हैं। 6-6 घंटे लाइट आ रही है 24 घंटे। शिकायत एक्सीएन एसडीओ ठीक है, हर विद्युत के अधिकारी से हमने शिकायत की, लेकिन भाई साहब कोई हमें उधर से रिस्पांस ही नहीं मिला। जब कोई रिस्पांस नहीं मिला, कई बार हमने कहा कि देखिए ये पब्लिक है, गर्मी भीषण पड़ रही है, लोगों के धान कट रहे हैं, किसान मर रहा है, बारिश नहीं हो रही है, आप लाइट क्यों नहीं देते हैं? तो वो कहते हैं वो जय साहब की हेडक है और जय साहब फोन नहीं उठाते हैं। तो हमने कई बार अल्टीमेटम दिया, लेकिन मजबूरन आज हमारी युवा तरुणाई को यहाँ आना पड़ा, बैठना पड़ा। और हम आपको बताएं सबसे महत्वपूर्ण बात, आप ये